आ गई हूँ बैंगलोर स्पेशल डेजर्ट रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ केसरी बात की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बनके रेडी हो जाते हैं, लेकिन खाने में एकदम मस्त बनते हैं। घर में जरूर एक बार ट्राई करना और कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं बैंगलोर फेमस डेजर्ट केसरी बात। लेट्स बिगिन। बैंगलोर फेमस डेजर्ट आइटम केसरी बात बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून घी। घी हमारी गरम हो गई है तो अभी ऐड कर दूंगी चॉप्ड बादाम एंड कैशू नट्स और अभी बहुत अच्छे से गोल्डन करके फर्स्ट में फ्राई कर लूंगी। ड्राई फ्रूट्स आप आपके पसंद अनुसार ऐड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स हमारी हल्का गोल्डन होके फ्राई होके एकदम रेडी है तो अभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी 100 ग्राम चिरोटी रवा। ये थोड़ा सा फाइन सेमोलिना है, मिला के फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को लो में रख के 2 मिनट तक ऐसे चलाइए और फ्राई कर लीजिए। 2 मिनट हो गए हैं और रवा हमारी फ्राई होके एकदम रेडी है तो अभी ऐड कर दूंगी पानी। मैंने ले लिया था 100 ग्राम सूजी तो पानी ऐड करूंगी 200 ml। मिला दीजिए। देख लीजिए सूजी हमारी पूरा के पूरा पक गए है तो अभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी चीनी। जिस कटोरी में मैंने सूजी को मेजर कर लिया था सेम कटोरी का सेम रेशियो में ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप आपके स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए। मिला दीजिए बहुत अच्छे से। चीनी ऐड करने के बाद ऐसे मिलाते रहिए और पूरा के पूरा ड्राई तैयार कर लीजिए। चीनी हमारी मेल्ट होके पूरा के पूरा पक गए है तो अभी ऐड कर दूंगी केसर वाटर। हाँ, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है केसरी बात में। मिला दीजिए। देख लीजिए हमारी केसरी बात अभी एकदम रेडी है। चलिए इसको सर्व कर देते हैं। ऐसे एक ग्लास का बोल ले लीजिए और उसके अंदर फर्स्ट में ऐड कर दीजिए 2 कैशू नट्स ऐसे और ऊपर से ऐड कर दीजिए केसरी बात। ये बहुत ही इजी एक डेजर्ट आइटम है लेकिन खाने में एकदम मस्त बनते हैं। घर में ज़रूर एक बार ट्राई करना। और अभी इस बोल को ऐसे प्लेट के ऊपर लेके पोर कर दीजिए। बैंगलोर में केसरी बात ऐसे ही सर्व होते हैं लेकिन मैं कटोरी में भी सर्व करूंगी। देख लीजिए बैंगलोर फेमस डेजर्ट आइटम केसरी बात अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही।